गाइज अगर आपकी भी वेबसाइट हैवी होती जा रही है और आप भी कोई ऐसा क्लाउड स्टोरेज ढूंढ रहे हैं जो बेस्ट भी हो और चीप भी हो तो गाइज ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आप कैसे क्लाउड स्टोरेज पर अपना अकाउंट बना सकते हैं कौन सा क्लाउड स्टोरेज आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग इस वीडियो को पूरी देखना एक भी स्टेप मिस मत करना अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो आप खो देंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार टपके हैं तो आगे जाने से पहले आपके राइट में एक लाल रंग का बटन आ रहा होगा उस उसपे उंगली पंजाब मार मार के उसका होलिया बिगाड़ दो और गाइस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए अब मिलते हैं इंट्रो के बाद एवरीवन दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग सैकनो आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को देखा होगा जो अमेजोन का क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूं अमेजोन क्लाउड स्टोरेज की प्राइसिंग क्या क्या है और पर जीबी हमें क्या प्राइस में मिल रहा है वहाँ पे तो उसके लिए हम पहले एमेजोन पे जाके क्लाउड स्टोरेज सर्च करेंगे एमेजन क्लाउड स्टोरेज पर देन हाँ पे जाके क्लाउड स्टोरेज जो भी पहला लिंक दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे भी नीचे जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट स्टोरेज के नाम से अमेजोन सिंपल स्टोरेज सर्विस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे देखो ऊपर जो बार आ रहा है यहाँ पे देखो ये प्राइसिंग का बटन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे हम तो इसमें नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री पर जीबी के अकॉर्डिंग ये आपसे चार्ज ले रहा है अगर आप महीने में फिफ्टी टीबी तक आप यूज करते हो तो आपको 0.03 डॉलर पर जीबी आपको पे करना होगा और नेक्स्ट मंथ से आपको 450 टीबी तक का 0.020 पर जीबी आपको पे करना होगा तो पहले अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना कैलकुलेटर तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे टीबी के अकॉर्डिंग 0.023 0.0 0.023 1000 ट्वेंटी थ्री डॉलर तो गाइज ये आपसे ट्वेंटी थ्री डॉलर वन टी का ले रहा है एक महीने का ठीक है गाइज एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास इतना अमाउंट है नहीं तो अब क्या करें तो डोंट वरी गाइज मैं आपके लिए एक चीप सर्विस यहाँ पे एक लेके आया हूँ जिसका नाम है वसावी वसावी डॉट कॉम के नाम से देन वसावी पे जाने के बाद आप से यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ वसावी का ये इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ पे कह रहा है वाइजावी वर्ल्डस्ट और हॉटेस्ट क्राउड स्टोरेज तो यहाँ पे प्रोटेस्ट अगेंस्ट रैम्स वेयर मतलब जो भी वायरस है उसे प्रोटेक्ट करता है एट्टी परसेंट लेस देन अमेजन जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे ये ट्वेंटी थ्री डॉलर चार्ज करता है वन वन के अकॉर्डिंग लेकिन यहाँ पे एट्टी परसेंट लेस दे रहा है बोले तो इसकी पहले प्राइसिंग में जाते हैं हम प्राइसिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखो आप सिंपल से बता रहा है कि फाइव पॉइंट नाइनटी नाइन टीबी पर मंथ ही आपसे चार्ज करेगा लेकिन हमने देखा था कि अमेजोन आपसे कितना चार्ज कर रहा है अमेजोन आपसे कर रहा है ट्वेंटी थ्री डॉलर चार्ज लेकिन वसाबी तो सिक्स डॉलर चार्ज कर रहा है आपसे पर मंथ पर टीबी के अकॉर्डिंग जैसा कि ये कह रहा है आपसे एट्टी परसेंट लेस देन अमेजन एस थ्री नो ए रिक्वेस्ट चार्जेस तो क्या ये बहुत बेस्ट सर्विस होने वाली है आपके लिए आप बहुत चीप प्राइस में अपनी वेबसाइट का सारा डेटा इस क्लाउड स्टोरेज पे आप स्टोर कर सकते हो अगर आप ऐसी वेबसाइट यूज करते हो जहां पे आपका हैवी डेटा स्टोर हो रखा है या भी आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो आपके स्टोरेज के लिए और आपको लग रहा है वो सेफ नहीं है कभी भी वहां से डेटा हट सकता है तो गाइज ये सर्विस बहुत सेफ है आपके लिए गाइज वसा आपको इतने कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको जरूर ट्राई करें जैसा आप यहाँ देखोगे ये ट्राई और बाय नाउ यहाँ पे अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तैयार आपको ये बोल रहा है टाटा थर्टी डे फ्री ट्रायल और बाय

नाम डालूंगा डालूँगा कंपनी का नाम डालूंगा तो यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था ईमेल उसको कर दूंगा पेस्ट कंट्री डाल दूंगा मैं इंडिया फ़ोन डाल दूंगा अपना ही डाल दूंगा ठीक है स्टोरेज लेस देन फिफ्टी टी करना है आपको फिफ्टी टी तक आप यूज़ कर पाओगे ऑफर कोड आपको खाली छोड़ देना है देन यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन में आपको ऑनलाइन कम्यूनिटी पर क्लिक करना है गाइज़ देन नीचे आने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है देन उसके बाद आपको स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पर क्लिक कर देना है यहाँ कि आपको ईमेल जाएगी देन आपके जो ईमेल है उस पर एक ई आएगी जैसे मेरे को यहाँ पे ईमेल आ चुकी है देन यहाँ पे ये यह कह रहा है योर वसाबी ट्रायल इज़ रेडी टू यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा साइन इन आपका एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा एक आप उस पर क्लिक कर सकते हैं देन मैं करूँगा यहाँ पे अपना आई जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट देन यहाँ पर मैं डालूँगा अपना पासवर्ड गाइज़ आपका ऐसा इंटरफिस नहीं आएगा पहले पहले तो आपसे पासवर्ड पूछेगा जब आप उस बटन पर क्लिक करोगे आपको पहले पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा देन उसके बाद लॉग इन करने के बाद आपका ये ऐसा ऑप्शन आएगा एक तो गाइज आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट में आ चुके हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ये ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है एक इन ट्वेंटी नाइन डेज़ तो इसमें गाइज अब आपको क्या करना है सबसे पहले हमें एक यूज़र बनाना है यूज़र बनाने के लिए हम जाएंगे इसमें ऑप्शन में यूज़र्स देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट यूज़र के नाम से दो एक यूज़र हम क्रिएट करेंगे जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ टेस्टिंग यूजर सैक्नो जैसे मैंने यूज़र ये किया यहाँ पे टेस्टिंग के लिए देन यहाँ पे मैंने डाला कंसोल देन मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है गाई मैं करूँगा टेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे मैं ग्रुप कुछ नहीं करूँगा मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा पॉलिसीज अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं क्रिएट है यूज़र पर क्लिक करके इसको कर दूंगा देन क्रिएट अनदर देन मैं इस पर कैंसिल कर दूंगा ये हमारा यूजर गाइज बन चुका है अब गाइज हम क्या करेंगे हम बनाएंगे अपना बकेट तो हम यहाँ पे डेटा एक्सेस में जाके बकेट्स में जाएंगे देन यहाँ पर क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे बकेट नाम रख देता हूँ मैं जैसे टेस्टिंग सेक्नो बकेट रीजन हम डाल देंगे यहाँ पे आप कोई भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं मैं पहला वाला ही कर लेता हूँ देन कर दूंगा नेक्स्ट अभी के लिए मैं सब छोड़ देता हूँ देन इसको कर देता हूँ क्रिएट बकेट तो गाइज अब आता है हमारा मेन काम जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जैसे हम अपने बकेट पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा आप सिंपली सेटिंग पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे जाने के बाद एक पॉलिसी का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आप पॉलिसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ये टैब आ रहा है तो आपको यहाँ पे पॉलिसी बनानी है पहले तो आपको ये पॉलिसी बनानी कहाँ से सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे सैक्नो पे तो वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको स्टोरी टाइप तो आपको दूसरे वाले पे यहाँ पे करना है मैंने स्टोरीज डाल रखी हैं तो दूसरे वाले पे आपको सिंपल क्लिक करना है एमेजॉन एस थ्री बकेट पॉलिसी के नाम से आ रही होगी देन यहाँ पे आपको गेट लिंक का एक बटन आ रहा होगा देन गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं एमेजोन वेब सर्विस ई डब्ल्यू एस पॉलिसी जनरेटर के नाम से आपको खुल चुकी है आज सिंपली देखो आपको सेलेक्ट टाइप पॉलिसी में आपको सेलेक्ट करना है एस थ्री बकेट पॉलिसी गाइज अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल डालने के लिए आप अपने वसाबी में फिर से जाना है देन वसाबी में जाने के बाद आपको जाना अपने यूजर्स में देन यहाँ पे ए आर एन को कर लेना आपको कॉपी देन फिर से पॉलिसी जनरेटर में जाना है देन यहाँ पे कर देना पेस्ट देन एक्शन में जाके आपको जो सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है वह गेट ऑब्जेक्ट तो ऐस में गैट ऑब्जेक्ट हम सर्च करते हैं ये रा गैट ऑब्जेक्ट इसको मैं करता हूँ क्लिक जो दूसरा हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है पुट ऑब्जेक्ट तो सर्च कर लेते हैं उसको ये रुट ऑब्जेक्ट देन यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लिक अब ये मांग रहा है ए आर एन देन फिर से जाना हमें वसाबी में वसाबी में जाने के बाद जाना बकेट में देन बकेट खोल लेना है बकेट खोलने के बाद जाना अपनी सेटिंग्स में फिर से देन पॉलिसी फिर से देन देखो यहाँ पे ये यह लिख रहा है ए आर एन देन आपको ये करना है कॉपी देन फिर से आपको जनरेटर में जाना है देन यहाँ पे कर देना है पेस्ट यहाँ पे एक देखो बटन आ रहा होगा ऐड स्टेटमेंट के नाम से ये कर देना आपको क्लिक देन यहाँ पे देखो ये क्लिक हो चुकी है ये बन चुकी है आपकी पॉलिसी अब हमें अपनी दोबारा एक पॉलिसी और बनानी है दैन यहाँ अब जो अभी कॉपी किया हुआ था उसको फिर से पेस्ट कर दूंगा मैं ताकि दोबारा पेस्ट ना करना पड़े अब जाऊँगा मैं अपने यूजर्स में फिर से ये ए आर एन को मैं कर लूँगा फिर से यहाँ पे कॉपी मैं जाऊँगा प्रिंसिपल में यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट अब हमें एक्शन जो सेलेक्ट करना है उसका नाम है लिस्ट बकेट हमें अपनी बकेट लिस्ट करनी है तो लिस्ट बकेट का ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ये रहा लिस्ट बकेट के नाम से इसको कर देता हूँ क्लिक देन यहाँ पे अब मैं कर दूँगा एड स्टेटमेंट अब हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट अपनी ऐड कर ली है अब सिंपली हम करेंगे अपनी जनरेट पॉलिसी तो मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पॉलिसी यहाँ पे बन चुकी है तो मैं यहाँ पे कर लूँगा इसको यहाँ से कॉपी अब मैं कर दूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर जाके बकेट में इसको खोलूँगा मैं देन सेटिंग में जाके फिर से इसको पॉलिसी में जाके यहां यहाँ कर दूँगा मैं इसको पेस्ट इसको कर दूँगा मैं सेव मेरी पॉलिसी हो चुकी है सेव गाइज गाइज आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर आप प्राइवेट फाइल्स रखते हो तो आप प्राइवेट यहाँ पे इसको रहने दे सकते हो अदरवाइज़ अगर आपको पब्लिक करते हो जैसे कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हो और आप उसे डाउनलोड के लिए दे रहे हो किसी को तो आप वसाबी के अंदर उसको अपलोड करके उसको यहाँ पे पहले तो इसको पब्लिक कर दो ये पब्लिक हो जाएगा ये गाइज़ ये ट्रायल अकाउंट्स में नहीं है आपको ये सब मैनुअली करना होगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे बकेट में जाऊँगा मैं इस बकेट में क्लिक करूँगा फिर यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा कोई भी एक फाइल जैसे मैं ये कर देता हूँ फाइल अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर करूँ मैं स्टार्ट अपलोड देखो तो गैज ये मेरी फाइल हो चुकी है अपलोड लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक्सेस डिनाई दे देगा क्योंकि ये हमारा अभी पब्लिक नहीं है क्योंकि ये कह रहा है पब्लिक यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अलाउड तो उसके लिए हमें यहाँ पर आके बार बार इसको पब्लिक करना होगा क्योंकि गैज आपका ट्रायल में है तो आपको ये सब मैनअली करना होगा अगर आप ये परचेज़ कर लोगे तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था आप फिर से अपने बकेट में जाके यहाँ पे सेटिंग्स में जाके तो गई सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पब्लिक एक्सेस ओवर राइड पे फिर से यहाँ पे क्लिक करके देन उसको उसको जो भी आएगा उसको कर देना ओके okay, आपका यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा बस गाइज सिंपल सा है ज्यादा कुछ टेरिफाइंग नहीं है बहुत अच्छी सर्विस है वसाबी मेरे से एक बार इसको जरूर आप ट्राई करना क्योंकि मैं खुद इस सर्विस को ट्राई कर रहा हूँ इस टाइम आगे हम वसाबी से बहुत कुछ धमाल करने वाले हैं तो गाइज मेरी हर वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बे आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो गाइज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टाटा सी यू सून